शांति। योग भट्टी के माध्यम से अपने विघ्नों को समाप्त करने के लिए, औरों के विघ्नों को समाप्त करने के लिए, संसार में फैले हुए विघ्नों को समाप्त करने के लिए हम सभी श्रेष्ठ संकल्पों की अग्नि को, ज्वाला को प्रज्वलित करते हैं। प्रज्वलन करने के लिए श्रेष्ठ संकल्प को, अपने स्वमान को जागृत करें। महसूस करें शक्तियों के सागर शिव बाबा की अनादि अविनाशी संतान संगम युग पर मैं ही मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूं। मैं आत्मा ही स्वयं के, परिवार के, समाज के, देश के, संसार के विघ्नों को समाप्त करने वाली श्रेष्ठ महान ब्राह्मण आत्मा, विघ्न विनाशक आत्मा हूं। इस साकारी देह के अंदर मस्तक में, ब्रकुटी में स्वयं के विघ्न विनाशक स्वरूप को देखें। मेरे इस स्वरूप से योग की ज्वाला प्रज्वलित होकर शक्तिशाली श्रेष्ठ किरणों को निकालते हुए चारों ओर फैला रही है। मुझात्मा से शक्तिशाली किरणें निकल निकल कर चारों ओर फैल रही हैं।
अष्ट शक्तियों की शक्तिशाली किरणों के बीच में मैं विघ्न विनाशक आत्मा चमक रही हूं। मेरा दिव्य स्वरूप विघ्न विनाशक का तीव्र गति से बढ़ता हुआ साकारी वर्ती पर चारों ओर फैले हुए विघ्नों को समाप्त कर रहा है। विघ्नों के कारण समाज संसार में फैले हुए समस्याओं को दुख शांति को हिंसा को तनाव को खत्म कर रहा है। नकारात्मक वातावरण परिवर्तन हो रहा है। बुद्धि रूपी नेत्र से मैं आत्मा देख रही हूं। सबके संगठित प्रयास से चारों ओर वातावरण निर्विघ्न हो रहा है। सुखद बन रहा है। इस वातावरण के अंदर मैं आत्मा बेहद खुशी का अनुभव कर रही हूं। विश्व के अंदर ऐसा वातावरण बनाने के लिए और अधिक शक्तियों को लेने के लिए
देर के लिए साकारी दुनिया से दूर मैं आत्मा पिता परमात्मा के पास जाने के लिए श्रेष्ठ संकल्प कर रही हूं। मैं आत्मा स्वयं को देह से न्यारा अनुभव करती जा रही हूं। देह से बाहर महसूस कर रही हूं। ज्ञान योग के शक्तिशाली पंख लगाकर मैं आत्मा उड़ती जा रही हूं। देह और देह की दुनिया से दूर होती जा रही हूं। बादलों को पार करते हुए सूक्ष्म लोक को भी पार करते हुए ब्रह्मा विष्णु शंकर पुरी को भी पार करते हुए परम धाम में शक्तियों के भंडार पावर हाउस शिव बाबा के सामने पहुंच गई हूं। प्यारे शिव बाबा से के भंडार शिव बाबा से दिव्य किरणों के रूप में अपने अंदर समा रही हूं। सागर बाबा से एक एक गुण आता जा रहा है, समाता जा रहा है। गुण स्वरूप मैं आत्मा बन रही हूं। शक्तियों के सागर शिव बाबा की अनंत शक्तियां दिव्य किरणों के रूप में मुझ आत्मा की ओर आ रही है, समा रही है।
आँखों और शक्तियों से भरपूर होकर प्यारे शिव बाबा का शुक्रिया अदा कर रही हूं। शुक्रिया बाबा, कोटि कोटि बार शुक्रिया। शक्तियों से भरपूर मैं आत्मा धीरे धीरे नीचे आ रही हूं। थोड़ी देर के लिए सूक्ष्म वतन में आकर ठहर गई हूं। फरिश्तों के राजा ब्रह्मा बाबा से मिलन मनाने के लिए मैं आत्मा फरिश्तों की चमकीली ड्रेस पहनकर उड़ते हुए अव्यक्त बाप दादा के सामने ब्रह्मा बाबा के सामने पहुंच गई हूं। बाप दादा की जो मैं दृष्टि मुझ आत्मा को मिल रही है, मुझ आत्मा के ब्राह्मण जीवन में छाए हुए विघ्न जो मेरे पुरुषार्थ में बार बार बाधा बन जाते हैं, प्यारे बाप दादा की जो मैं दृष्टि मेरे स्वयं के विघ्नों को समाप्त कर रही है। मैं आत्मा विघ्नों से मुक्त तीव्र पुरुषार्थ के लिए तैयार हो गई हूं। बाप दादा मुझे विश्व के ग्लोब पर अपने साथ बिठाकर शिव बाबा से प्राप्त हुई शक्तिशाली किरणों को पूरे विश्व में फैलाने का इशारा कर रहे हैं। आत्मा बाप दादा से प्राप्त हुई
गुणों और शक्तियों की, अनंत किरणों को सारे विश्व की ओर ट्रांसफर कर रही हूं। ये श्रेष्ठ किरणें प्रत्येक मनुष्य आत्मा के पास पहुंचकर उसके निगम को समाप्त कर रही है। प्रकृति के तत्वों के पास पहुंचकर तमो प्रधानता के अंश को समाप्त कर रही है। श्रेष्ठ किरणें हर देश में पहुंचकर हिंसक वातावरण को समाप्त कर रही है। समय ठहर गया है, सारे वातावरण के अंदर विघटन समाप्त हो, खुशहाल वातावरण बन गया है। चारों ओर मनुष्य आत्माएं लाइट होकर, हल्की होकर, खुशी में नृत्य कर रही है। प्रकृति अपने सत्व प्रदान स्वरूप में खुशबू, सुगंध, खुशी की चारों ओर फैला रही है। ऐसा लग रहा है निर्विघ्न दुनिया, नई दुनिया, सती हुई दुनिया आई के आई। कुछ समय के लिए सारा ब्राह्मण संसार निर्विघ्न अवस्था में संस्कार मिलन मनाने की, खुशियों की महारास कर रहा है। खो जाएं इस सुंदर नजारे में, दृश्य में, दुनिया में। अतीन्द्रिय सुख को महसूस करते हुए धीरे धीरे
बाबा का शुक्रिया अदा करते हुए नीचे आते जाएं। भ्रुकुटी सिंहासन पर बैठकर निर्विघ्न स्थिति का सबको साक्षात्कार करवाएं। मैं साक्षात्कार मूर्त निर्विघ्न आत्मा हूं। मैं निर्विघ्न आत्मा हूं।